सकलके शुभ सप्तमी शुभ सन्ध्या। आप सबको सप्तमी के इवनिंग का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम लोगों का जो मैं सुबह को जो गई थी शैलेंद्र नगर में, वहाँ पे छोटा सा एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, तो हम लोग फिर से वहीं जा रहे हैं। वहाँ जाके जो प्रोग्राम है उसमें मेरी बेटी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है और दूसरे बच्चे भी हैं, सिंगर्स आएंगे। छोटा सा एक कल्चरल प्रोग्राम है, तो वो हो जाने के बाद हम लोग वहाँ से दूसरा कहीं जाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं शैलेंद्र नगर, वहाँ पे जाके कल्चरल प्रोग्राम कैसा होता है वो देखते हैं, और हम आप लोगों को मैं अपने साथ साथ घुमाऊंगी। हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोगों को मैं वो जगह घुमाऊंगी। ये देखिए प्रसाद दिया जा रहा है आरती के बाद। देखिए ये सब लोग बैठे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। ये दुर्गा माँ की मूर्ति है, जो मेरी दुर्गा माँ की, हमारी दुर्गा माँ की मूर्ति है। और यहाँ पे आज कल्चरल प्रोग्राम होगा, इसकी तैयारी चल रही है। ये देखिए यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होगा। और यहाँ पे सब लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, चेयर्स सामने लेके जा रहे हैं। ये है शैलेंद्र नगर की दुर्गा पूजा ग्राउंड। यहाँ पे अभी कुछ ही देर में प्रोग्राम चालू होगा, उसका तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रहा है। और ये देखिए सब बच्चे लोग बैठे हैं और पीछे भी लोग थोड़ा थोड़ा बैठे हैं, आ रहे हैं। और ये स्टेज है, यहाँ पे कार्यक्रम होगा। ये देखिए ये दोनों लड़कियाँ हैं, ये दोनों आज डांस करेंगे क्लासिकल माँ दुर्गा के ऊपर। दोनों का हाथ दिखाओ ज़रा, एकदम रेड रेड। देखिए आलता पहन के आए हैं दोनों। इसका आउटफिट भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। ये इसमें से एक जो लंबी है वो मेरी बेटी है, और ये दूसरी, ये भी मेरी बेटी ही है, पर अपनी नहीं है, पर मेरी सहेली की बेटी है। ये देखिए कितने सुंदर सजे हैं दोनों, है ना। और ये अंदर देखिए, ये बाकी पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं। ये ग्रीन रूम है, इन लोगों का जब परफॉर्मेंस होगा तब हम देखेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं माना, ये जो सामने हम लोग एक फ्लाईओवर क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, माना में जाके मिलते हैं, वहाँ पे दिखाएंगे वहाँ पे जो मूर्ति होता है, जो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा होती है वो कैसे होता है। वहाँ पे जाके आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अभी चलिए हम लोग माना चलते हैं। ये हम लोग पहुँच गए हैं माना। ये देखिए लाइटिंग देखिए यहाँ पे,
के गेट बना हुआ है लाइट का, कितना खूबसूरत लग रहा है। ब्यूटीफुल लाइटिंग, ब्यूटीफुल, देखिए कितना सुंदर है। देखिए और ये देखिए, ये साइड में भी देखिए क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरे रास्ते के बीचों बीच ऐसे टूनी बल्ब जो होते हैं वो लगाया गया है, और रास्ते के एक साइड में, लेफ्ट साइड में ऐसा लाइटिंग किया गया है पूरा। ये देखिए, अभी कितने लोग हैं देखिए रास्ते में, देखिए ये देखिए, देखिए चाउमीन भी बन रहा है यहाँ पे, बिरयानी भी पैक हो रहा है, खाना भी बन रहा है, और लोग भी काफ़ी है। ये देखिए मूंगफली, सब कुछ खुला है, मिठाई का दुकान भी खुला है, और लोग भी बहुत है अभी माना में। अभी रात का कितना बज रहा है, अभी 12:05 बाकी है, और यहाँ पे भीड़ देखिए कितना है। हाँ, कलकत्ता में अगर हम रहते तो फिर ये नॉर्मल होता, लेकिन रायपुर में ये चीज़ नॉर्मल नहीं था आज से 5-6 साल पहले, पर अभी लोगों में ये एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, सब लोग आते हैं, रात को ही निकलते हैं। और ये देखिए, ये माना का एक पंडाल है, ये देखिए सुंदर है, सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर है। अब हम जाएंगे अंदर, यहाँ पे पार्किंग करके फिर हम लोग अंदर जाएंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा समिति, ये देखिए हम जा रहे हैं अंदर, डेकोरेशन तो काफ़ी सुंदर है। ये सीढ़ियाँ, और ये माँ दुर्गा की प्रतिमा दिख रहा है हम सबको। ये देखिए, माँ दुर्गा की प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बनी है। ये देखिए माँ दुर्गा की प्रतिमा, ये देखिए हम लोग एक पूजा देख लिए। ये दूर देखिए आप लोगों को थोड़ा सा लाइटिंग दिख रहा है, वहाँ पे एक और पूजा है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। ये देखिए, ये है एक और प्रतिमा, लाइटिंग भी काफी अच्छा किया हुआ है। ये फिर ये गेट है एंट्रेंस का, हम लोग अंदर चलते हैं, पंडाल भी देखेंगे, पंडाल का भी डेकोरेशन अच्छा ही लग रहा है देख के। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, कारीगरी भी सुंदर है, कुछ यूनिक बनाने की कोशिश किए हैं। वाओ, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया है। ये देखिए प्रतिमा अंदर दिख रहा है, प्रतिमा प्रतिमा भी बहुत ही सुंदर बना है। बहुत ही खूबसूरत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। ये कालीबाड़ी है माना की, सुंदर प्रतिमा बनाया है। बहुत ही खूबसूरत है, माँ की जो चेहरा है
बहुत बहुत सुंदर बनाया है। हम लोग माना से निकल रहे हैं। अभी माना का जो प्रतिमा था मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। अभी हम लोग वापस रायपुर जा रहे हैं। माना जो है वो रायपुर प्रॉपर रायपुर में नहीं है, रायपुर से थोड़ा बाहर है। तो अभी हम लोग रायपुर जा रहे हैं और कालीबाड़ी में जाएंगे जहाँ हम लोगों का परफॉर्मेंस था पिछले दिन। षष्ठी के दिन हम लोग परफॉर्मेंस किए थे जिसका वीडियो बहुत जल्द आएगा चैनल में। तो अभी हम लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके फिर से मिलते हैं। और वहाँ का प्रतिमा बहुत खूबसूरत हुआ है इस साल। इस साल कालीबाड़ी का 90 साल पूरा हो रहा है। तो हम लोग मैं जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि कालीबाड़ी का प्रतिमा जो है वो कैसा है। हम लोग आ गए कालीबाड़ी। ये है कालीबाड़ी का पंडाल का फ्रंट। इस साइड डेकोरेशन किया गया है, देखिए। अभी तो कालीबाड़ी काफ़ी खाली है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी रात का 1 बज रहा है और यहाँ पे चंडी पाठ चल रहा है। ये है फ्रंट गेट। ये माँ काली मंदिर है जो कि अभी बंद हो चुका है। और यहाँ पे लोग देखिए कितने सारे लोग हैं। रात का 1 बज रहा है और सप्तमी है। यहाँ पे लोग देखिए कितने सारे लोग हैं। माँ की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत बना है। ये माँ सरस्वती कार्तिकेय ढके हैं। ये माता लक्ष्मी और गणेश जी और ये है माँ दुर्गा। बहुत सुंदर मूर्ति बनी है। आज हमारा सप्तमी का जो जो घूमने का जो प्लानिंग था, जो पूजा देखने का जो प्लानिंग था, हम लोग माना गए थे, फिर कालीबाड़ी आए। ये देखिए यहाँ पर भी ये नवदुर्गा है, नवदुर्गा बैठी है और डांडिया चल रहा है यहाँ पे। तभी हम लोग का आज का जो प्लानिंग था वो सब समाप्त हो गया है। कल अष्टमी है, हम कल फिर से नया वीडियो करेंगे। कल हम लोग महाअष्टमी का जो पूजा है वो देखने के लिए जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे अभी तक तो कुछ प्लानिंग नहीं किए हैं। बहुत सारे जगह है, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। क्योंकि पूजा देना है, भगवान को पूजा चढ़ाना है, फिर कल संधि पूजा भी है, उसको भी मैं कवर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी, आप लोगों को छोड़ने की कोशिश करूँगी। कल फिर से मिलते हैं नए जगह पे, नया कुछ देखेंगे। और आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आप सब लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और रिव्यू डालिएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये जो पूजा परिक्रमा है, ये कैसा लग रहा है रायपुर का जो दुर्गा पूजा है। मैं जितना हो सकता है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए शुभरात्रि।